नमस्कार, मैं प्रिया। आज 25 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिक्षा मंत्री ने स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर कही अहम बात। चुनाव से तय होंगे परामर्शी समिति के अध्यक्ष। बिहार में उम्मत से अभी कोई राहत नहीं। पटना हाईकोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति का जारी किया आदेश। डीटीओ के घर छापे के लिए मंगवानी पड़ी पैसे गिनने वाली मशीन। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। शिक्षा मंत्री ने स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर कही अहम बात। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने हाल ही में कोरोना के जारी माहौल के बीच स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए अनुकूल परिस्थितियों के आने पर सबसे पहले कॉलेज और समकक्ष उच्च संस्थान को खोलने का काम किया जाएगा। हालांकि इन सबका फैसला बिहार में जारी टीकाकरण और दूसरी परिस्थितियों को देखते हुए ही किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 6 जुलाई के बाद उच्च शिक्षण संस्थान खोलने पर विचार किया जा सकता है। हालांकि अभी इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने साफ किया है कि स्कूलों को खोलने का अभी कोई विचार विमर्श नहीं है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार के सभी शिक्षण संस्थान लंबे समय से बंद चल रहे हैं। चुनाव से तय होंगे परामर्शी समिति के अध्यक्ष। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत समिति का आयोजन नहीं होने पर पंचायतों के संचालन के लिए परामर्शी समितियों का गठन किया गया था, जिसके बाद इन समितियों में अध्यक्षों के रिक्त पदों को लेकर सरकार ने तैयारी शुरू कर दी थी। वहीं अब सरकार ने नए सिरे से अध्यक्षों की नियुक्ति का रास्ता निकाला है, जिसके तहत अब वैसे ग्राम पंचायत जहां किसी कारणवश मुखिया और उप मुखिया दोनों नहीं है, वहां परामर्शी समिति के अध्यक्ष पद के लिए वार्ड सदस्यों के बीच चुनाव कराया जाएगा, जिसके बाद ही सर्वाधिक मत हासिल करने वाले वार्ड सदस्य को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी दी जाएगी, जिसके बाद अब इसके चुनाव की जिम्मेदारी प्रखंड कार्यपालक पदाधिकारी को दी गई है। इसको लेकर पंचायत राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीना ने इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी किया है। अहम यह है कि कार्यपालक पदाधिकारियों से दो टूक कहा गया है कि वे वार्ड सदस्यों के बीच चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। बिहार में उम्मत से अभी कोई राहत नहीं। आद्रा नक्षत्र की शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत बिहारवासियों को बारिश से राहत तो मिल गई है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों की माने तो भले ही बिहारवासियों को बारिश से राहत मिल गई है, लेकिन अब लोगों को उमस का सामना करना पड़ेगा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार के पूर्वी इलाके को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर लगभग एक हफ्ते तक बारिश का अनुमान नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वायुमंडल के निचले स्तर पर नमी की मात्रा बढ़ी हुई है। इसकी वजह से जब तापमान बढ़ेगा तो उमस भरी गर्मी बढ़ेगी। अगले कुछ दिनों तक लोगों को ऐसी गर्मी परेशान करेगी। हालांकि तापमान में जब ज्यादा इजाफा होगा तो गरज के साथ हल्की बारिश की स्थिति भी बन सकती है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 6 जुलाई की दोपहर तक आद्रा नक्षत्र जारी रहेगा, जिसके बाद ही अब बिहार में गरज के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे कपिल मुनि तिवारी की। कपिल मुनि तिवारी का जन्म भारत के बिहार राज्य के भोजपुर जिले के नैनीजोर गांव में हुआ था। कपिल मुनि तिवारी पटना विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान और साहित्य विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख थे और यमन में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। उन्होंने 1966 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से व्याकरण और ध्वन्यात्मकता पर एक शोध प्रबंध के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। तिवारी एक विद्वान है दक्षिण एशियाई भाषाओं के। उन्होंने भोजपुरी में इको वर्ड्स जैसे विषयों पर प्रकाशित किया है और तर्क दिए हैं कि इको वर्ड एक तरह की गुप्त भाषा के रूप में कार्य कर सकता है। उन्होंने तमिल महिलाओं के बीच रोने के एक अध्ययन में संस्थागत रोना शब्द गढ़ा है। मंत्री ने बिहार के 20,000 बेरोजगारों को रोजगार देने की तैयारी में विभाग के जुटने की कही बात। विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार सरकार ने सरकार बनते ही बिहार में रोजगार की लहर लाने का दावा किया था। वहीं अब बिहार सरकार अपने वादों को अमलीजामा पहनाने में जुट गई है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से हर विभाग में खाली पड़े पदों को भरने की तैयारी हो रही है। इसी क्रम में अब राज्य की ग्रामीण कार्य विभाग में बंपर बहाली होने वाली है। इस बाबत ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री जयंत राज ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि जल्द ही राज्य के तकरीबन 20,000 बेरोजगारों को विभाग के द्वारा रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभागीय ब्लूप्रिंट तैयार होना शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद अब जल्द ही एसडीओ, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, अमीन, स्टोरकीपर, ड्राइवर, चौकीदार, गार्ड के पदों पर भर्ती की जाएगी। बिहार के इन 12 जिलों में मिलेगा मात्र 10 रुपए में एलईडी। बिहार के पटना, भागलपुर, बांका, भभुआ, बेगूसराय, मुंगेर, भोजपुर, जहानाबाद, नालंदा, गया, बक्सर और रोहतास जिले में अगले एक महीने में मात्र 10 रुपए में एलईडी बल्ब मुहैया करवाने की कवायद शुरू होने वाली है। केंद्र की ग्राम उजाला योजना के तहत 7 और 12 वाट के बल्ब को 3 साल की वारंटी के साथ दिया जाएगा। केंद्र सरकार की ग्राम उजाला योजना के तहत सभी गांव में कैंप लगाए जाएंगे। इस योजना के लिए नियुक्त कर्मी गांव में प्रत्येक बिजली उपभोक्ता के घर जाएंगे और उनसे पुराने 5 बल्ब लेकर 10-10
रुपए में नए एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। आपको बता दें, इस योजना की शुरुआत मार्च 2021 से भोजपुर जिले के आरा में केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर के सिन्हा ने कर दी है, जिसके तहत वहां पर बिजली उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर एलईडी बल्ब मुहैया करवाई जा रही है। पहली कक्षा में नामांकन के लिए केवीएस की पहली सूची हुई जारी। दिल्ली के तर्ज पर इस बार बिहार में भी स्कूल के नामांकन में लॉटरी सिस्टम से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसी क्रम में लॉटरी सिस्टम के आधार पर केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से पहली कक्षा में नामांकन के लिए सूची जारी कर दी गई है, जिसके बाद इसमें शामिल होने वाले छात्रों को अब आने वाले 2 से 3 दिन में अपना दाखिला करवाना होगा। वहीं अब नामांकन की दूसरी सूची 30 जून और तीसरी सूची 5 जुलाई को जारी की जाएगी। हालांकि नामांकन की प्रक्रिया अप्रैल महीने में निर्धारित की गई थी, लेकिन बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर संगठन ने केंद्रीय विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। अब जब कोरोना की रफ्तार कम हुई, तब केवीएस ने पहली कक्षा में एडमिशन के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी है। आनंद कुमार ने ट्वीट कर साझा की अपने छात्र के संघर्ष की कहानी। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार एक बार फिर से अपने ट्वीट के कारण चर्चा का विषय बन गए हैं। जारी किए गए ट्वीट में उन्होंने अपने एक छात्र के संघर्ष की कहानी बताई है, जिसको लेकर उन्होंने लिखा कि कभी 50-50 रुपए के लिए संघर्ष करने वाला मेरा शिष्य कृष्ण रॉय यूपीएससी क्वालिफाई करके असिस्टेंट कमिश्नर बनकर आज मुझसे मिलने आया है। तब शिक्षक होने पर गर्व होने लगा। दबे कुचले लोगों के प्रति उसकी संवेदनशीलता को देखकर मुझे लगा, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। इस ट्वीट के साथ ही आनंद कुमार ने कृष्ण रॉय के साथ खुद की एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसके बाद आनंद कुमार का यह ट्वीट तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हुआ सफलतापूर्वक ऑपरेशन। अपने आंख का ऑपरेशन करवाने दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऑपरेशन बीती शाम सफलतापूर्वक हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार एम्स के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र के प्रोफेसर डॉक्टर जीएस सितियाल ने मोतिया बिंद की सर्जरी की। सर्जरी के कुछ ही घंटे बाद उन्हें एम्स से छुट्टी दे दी गई। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, एक दिन पहले बुधवार को नीतीश कुमार एम्स पहुंचे थे। ओपीडी में डॉक्टर जीएस सितियाल ने उनकी आंखों की जांच की थी। इसके अलावा ईएनटी के डॉक्टरों ने भी उनकी जांच की थी। डॉक्टरों ने मोतियाबिंद की सर्जरी कराने की सलाह दी थी, इसलिए उन्हें बृहस्पतिवार सुबह नेत्र विज्ञान केंद्र के डे केयर में भर्ती कर उनके मोतियाबिंद की सर्जरी की गई। डीटीओ के घर छापे के लिए मंगवानी पड़ी पैसे गिनने वाली मशीन। बीते दिन मुजफ्फरपुर जिला परिवहन पदाधिकारी रजनीश लाल के आवास पर विजिलेंस का छापा पड़ा। यह छापेमारी निगरानी विभाग ने उनके पटना और मुजफ्फरपुर स्थित आवास पर की है, जहां पर रजनीश लाल के घर से विभाग को लगभग 40 लाख से ज्यादा रुपए बरामद हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार घर पर सोने की बिस्कुट भी मिली है, जिससे निगरानी विभाग द्वारा कीमत की जानकारी जुटाई जा रही है। छापेमारी के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं कैश की गिनती के लिए विभाग को कैश मशीन का सहारा लेना पड़ा। सोशल मीडिया कंपनियों को शिकायत के 24 घंटे के अंदर फर्जी खातों को करना होगा बंद। केंद्र ने हाल ही में अपने नए आईटी नियमों को लागू किया है। आईटी नियमों के हिस्से के रूप में अब ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत अब इन सोशल मीडिया कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी सोशल मीडिया यूजर अपने प्रोफाइल पिक्चर के रूप में जाने माने व्यक्तियों या व्यवसायों और यहां तक कि सामान्य ग्राहकों की फर्जी प्रोफाइल का इस्तेमाल न करे। ऐसा करने वालों के प्रोफाइल पिक्चर को हटाने की जिम्मेदारी इन सोशल मीडिया साइट्स को दी गई है। इतना ही नहीं, अगर प्रोफाइल पिक्चर को लेकर कोई उपयोगकर्ता या उनकी तरफ से कोई सूचना पेश की जाती है तो इसे 24 घंटे के अंदर हटाना होगा। बिहार के 4 एक्साइज अधीक्षक का हुआ तबादला। बिहार में जारी अधिकारियों के तबादले के बीच मद्य निषेध विभाग ने भी बीते दिन बड़ा तबादला कर दिया, जिसके तहत विभाग ने 4 जिलों के अधीक्षक का ट्रांसफर कर दिया है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की तरफ से जारी किए गए अधिसूचना के तहत नालंदा के एक्साइज अधीक्षक विजय शेखर दुबे को वैशाली का अधीक्षक बनाया गया। वैशाली के अधीक्षक सुनील कुमार सिन्हा को बेगूसराय मद्य निषेध अधीक्षक के पद पर पदस्थापित किया गया। वहीं बेगूसराय के मद्य निषेध अधीक्षक अजय शंकर सहाय को भागलपुर का अधीक्षक बनाया गया। इसके साथ ही भागलपुर के अधीक्षक शंकर प्रसाद को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक नालंदा का अधीक्षक नियुक्त किया गया है। पटना हाईकोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति का जारी किया आदेश। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने मोहम्मद अफरोज और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए बीते दिन सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कॉमर्स विषय में खाली पड़े शिक्षकों के पद को भरने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कॉमर्स विषय की रिक्तियों को 3 महीने के भीतर तय करके 6 महीने के भीतर स्वीकृति पड़े खाली जगहों को एसटीईटी परीक्षा लेकर भरने का आदेश दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 25 सितंबर 2019 को कॉमर्स शिक्षकों के पदों को भरने के लिए निर्णय लिया गया था, लेकिन एसटीईटी के संचालन के लिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को अधियाचना अर्थात रिक्विजिशन नहीं भेजा गया था। इनकम टैक्स विभाग ने आईटी रिटर्न भरने वालों को दी बड़ी राहत।
कोरोना के इस माहौल के बीच बीते दिन कारोबारियों को इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी राहत दी है, जिसके तहत इनकम टैक्स विभाग ने कोरोना महामारी की वजह से वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आईटी रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ा दी। विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में कमाई गई इनकम के लिए इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न 31 जुलाई के बजाय 30 सितंबर तक भर सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस ने कंपनियों के लिए रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर 2021 कर दी है। कोई टैक्स पेयर जिसने अपना रिटर्न डेडलाइन के बाद भी नहीं भरा है वो बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकता है, हालांकि इसके लिए उसे पेनाल्टी भरनी होगी। बिहार में कोविड 19 के मिले 250 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 212 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 2557 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 1, अरवल में 1, औरंगाबाद में 1, बांका में 4, बेगूसराय में 5, भागलपुर में 4, दरभंगा में 16, ईस्ट चंपारण में 8, गया में 3, गोपालगंज में 2, जमुई में 6, कटिहार में 6, खगड़िया में 4, किशनगंज में 6, लखीसराय में 2, मधेपुरा में 5, मधुबनी में 3, मुंगेर में 10, मुजफ्फरपुर में 4, नालंदा में 3, नवादा में 2, पटना में 39, पूर्णिया में 17, रोहतास में 1, सहरसा में 8, समस्तीपुर में 3, सारण में 21, सीतामढ़ी में 2, सिवान में 6, सुपौल में 9, वैशाली में 4, वेस्ट चंपारण में 4 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 2 ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 107,167 सैंपल की जांच की गई है। वहीं कुल मिलाकर 355 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। जदयू की नई प्रदेश कमेटी में महिलाओं को मिली 33% हिस्सेदारी। जदयू ने बिहार प्रदेश कमेटी का गठन कर लिया है, जिसमें महिलाओं की इस बार बल्ले बल्ले है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की तरफ से गठित किए गए इस नई कमेटी में महिलाओं को पार्टी नीति के तहत 33% हिस्सेदारी दी गई। इसके साथ ही नई टीम में उपाध्यक्ष के रूप में 29, महासचिव के रूप में 60, सचिव के रूप में 114 और बतौर कोषाध्यक्ष 1 व्यक्ति को रखा गया है। इसके साथ ही इस बार 7 लोगों को पार्टी का प्रवक्ता बनाया गया है। इसके साथ ही अपनी नई टीम का ऐलान करते हुए जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार हमेशा से महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं और महिलाओं के उत्थान के बारे में सोचते हैं। आउटसोर्सिंग में आरक्षण लागू करने के लिए जीतन राम मांझी ने दिया सुझाव। देश को आउटसोर्सिंग का हब बनाया जा रहा है, वहीं जीतन राम मांझी ने अब इस मुद्दे को लेकर अपना पक्ष रखा है, जिसके तहत उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश को भले ही आउटसोर्सिंग का हब बनाया जाए, लेकिन इसमें आरक्षण का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए। इस बाबत उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा आउटसोर्सिंग के सहारे योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रयास में अनुसूचित जाति, जनजाति और दूसरे लोगों के आरक्षण के लिए प्रावधान लागू किया जाए। चिराग पासवान को कांग्रेस ने साथ आने का दिया इशारा। चिराग पासवान की लोजपा में जब से 2 बंटवारे हुए हैं, तब से अन्य पार्टियां चिराग में दिलचस्पी दिखाने लगी है। पार्टी में आई फूट के बाद से जहां एक तरफ राजद लगातार चिराग को अपने साथ शामिल करने के लिए कहती रही है, वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने भी चिराग को न्योता दिया है। इसको लेकर कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि चिराग पासवान के साथ धोखा हुआ है, विश्वास में रहकर जदयू भाजपा ने उनको धोखा दिया है। रामविलास पासवान के समर्थक चिराग को ही अपना नेता मानते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के साथ चिराग के आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई स्थिति बनेगी तो राजनीति में कोई दरवाजा बंद तो होता नहीं है, वो अपने आप बात होने लगेगी और चीजें आगे बढ़ेंगी। राजद ऑफिस के बाहर लगा पोस्टर। महंगाई को लेकर सियासी घमासान के बीच बीते दिन राजद कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर के माध्यम से राजद ने सरकार पर निशाना साधने का काम किया है। पोस्टर में कहा गया है कि देश में इन दिनों सरसों का तेल 220 रुपए प्रति किलो हो गया है, रिफाइंड तेल 180 रुपए प्रति किलो, अरहर दाल 120 रुपए प्रति किलो, मसूर दाल 75 रुपए प्रति किलो और चने का दाल 80 रुपए प्रति किलो हो गया है। आम लोगों को इन दैनिक जरूरतों के सामान खरीदने में काफी परेशानी हो रही है, बावजूद सरकार महंगाई बढ़ाती ही जा रही है। इसके साथ ही जारी किए गए पोस्टर में पार्टी ने लिखा कि जब में होते हैं तो महंगाई पर बड़ा सवाल उठाते हैं और जब सत्ता में आते हैं तो उसका जिम्मेदार विपक्ष को बताते हैं। 10 सितंबर से मिलेगा जियो गूगल का सबसे किफायती स्मार्टफोन। बीते दिन मुकेश अंबानी ने आयोजित आरआईएल के 44वें सालाना आम सभा में रिलायंस जियो और गूगल की साझेदारी में बने स्मार्टफोन जियो नेक्स्ट की घोषणा कर दी। लॉन्च के साथ ही मुकेश अंबानी ने कहा कि नया स्मार्टफोन बेहद किफायती होगा और 10 सितंबर यानी कि गणेश चतुर्थी से बाजार में मिलने लगेगा। विज्ञप्ति के अनुसार इस स्मार्टफोन को भारतीय बाजार के लिए विशेष तौर पर बनाया गया है और इसमें बेहतरीन कैमरा और एंड्रॉयड अपडेट भी मिलेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बीते साल रिलायंस जियो ने गूगल के साथ साझेदारी की घोषणा की थी। इसके साथ ही गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी फोन लॉन्च के बाद कहा कि गूगल और जियो का किफायती स्मार्टफोन खासतौर से भारत के लिए बनाया गया है।
भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। मुगल शासक बाबर 1529 में बंगाल पर विजय प्राप्त कर अपनी राजधानी आगरा लौटा था। भारत क्रिकेट टीम ने 1932 में ब्रिटेन के लॉर्ड्स मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच खेला। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 1975 को देश के में आपातकाल लगाने की घोषणा की थी। आपातकाल की बरसी 1977 में 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। रूस द्वारा भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने का निर्णय 2004 में हुआ। बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर का जन्म 25 जून 1974 का हुआ। भारत की राष्ट्रवादी नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वामी सहजानंद सरस्वती का निधन 1950 में आज के दिन हुआ था। टीम इंडिया के हार को लेकर सचिन तेंदुलकर ने बताई वजह। टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं अब टीम को मिली हार की समीक्षा भी शुरू हो गई है। इसी क्रम में अब भारत को मिली हार को लेकर सचिन तेंदुलकर ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने अपना ट्वीट जारी करते हुए कहा कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 जीतने के लिए पहले तो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को बधाई। आप फाइनल में बेहतर टीम की तरह खेले। टीम इंडिया जरूर अपने प्रदर्शन से निराश होगी। मैंने पहले ही कहा था कि आखिरी दिन पहले 10 ओवर अहम होंगे। मैच का रुख पहले सेशन में तय हो जाएगा और भारत ने कोहली और पुजारा दोनों के विकेट 10 गेंद के भीतर ही गवा दिए। इसी कारण से टीम पर दबाव बढ़ गया था। बिना नंबर सेव किए व्हाट्सएप पर आसानी से भेज सकते हैं मैसेज। अब बिना नंबर सेव किए ही आप व्हाट्सएप पर किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं। अब आप api.whatsapp.com लिंक को कॉपी करके पेस्ट करें। पेस्ट करने से पहले आप कंट्री कोड के साथ उस यूजर का नंबर एंटर करें जिससे आप मैसेज सेंड करना चाहते हैं। लिंक को ब्राउजर में डालने के बाद एंटर करें। अब नीचे मैसेज +91123456789 ऑन व्हाट्सएप लिखा होगा, इसके नीचे मैसेज लिखा होगा। इसके लिए आप चाहे तो व्हाट्सएप अपने डेस्कटॉप पर डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप वेब से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 24 जून को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,190 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,190 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 67,900 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 99.55 रुपए प्रति लीटर और डीजल 93.89 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम हैं दिव्यांशु कुमारी, ऋषिकेश राजपूत, अनिता देवी, बलिंदर कुमार, शंकर मुखिया, आमिर हुसैन, मुकेश कुमार, रब्बानी राजा, रवि रोशन कुमार, असलम राज, उदय शंकर, राजेश कुमार, कृष्ण मुरारी यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारतीय टीम को मिली हार के बाद विराट कोहली को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए या नहीं। अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।